पहले के समय में असंभव लगते थे, जो नामुमकिन लगते थे, उन सभी कामों को स्वीकृति मिली है। वो सभी काम धरातल पर उतरने प्रारंभ हुए हैं और हमारा राज्य उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में चहुंमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और हम भारत का श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में हम हिंदुस्तान के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर अपना स्थान दर्ज करा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज हमारा प्रदेश 23 वर्ष का हो गया और इस युवा प्रदेश ने इन 23 वर्षों में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हम सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसके सहभागी बने हैं, इसमें हमारा योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे सामने संपन्न हो रहे हैं, जिसकी हम कल्पना करते थे, वो सारे कार्य अब धरातल पर उतर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से आप सबको पता है, नकल हमारे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान भाई बहनों को लगातार उनको ठगने का काम, लगातार उनके साथ छल प्रपंच का काम इस नकल के अपराध के कारण से होता था। जो हमारे बच्चे मेहनत करते थे, लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे, अपनी तैयारियां करते थे, उनका जब रिजल्ट आता था तो उनका रिजल्ट में नाम नहीं होता था। भाइयों बहनों, आप स्वयं अंदाजा लगाइए, हमारे पहाड़ में, हमारे सामान्य परिवारों में आम आदमी का बेटा किस प्रकार से बेटा और बेटी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ये हम से किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अपने घर से थोड़े से संसाधनों में कोई छोटी खेती से, कोई छोटे गाय को पालकर, भैंस को पालकर, घी, दूध और इस प्रकार का छोटा छोटा पूंजी जुटाकर, कोई सब्जी बेचकर, कोई अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता था, उनका नाम नहीं आता था। भाई आप सबको मालूम है, और हम पहली बार इन 23 सालों में प्रदेश के अंदर पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून, सबसे सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आए भाइयों बहनों। उसके कारण से आज जितने भी हमारे भाई बहन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, परीक्षाओं में वो एक में पास नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो एक में पास हो रहे हैं, एक में जिनका नंबर आ रहा है उनका दूसरे में भी आ रहा है, उनका तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है। मुझे खुशी होती है जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपकी सरकार ये नकल का अध्यादेश जब से लेकर आई है, हमारे बच्चों को भी उत्तीर्ण होने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, अभी मैं मुंबई गया था, मुंबई के हमारे सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों ने वहां पर एक अलग से इस पर एक फिल्म बनाई थी, छोटी सी एक उन्होंने नाट्य रूपांतरण मंच पर करा। और आज केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं, हमारे राज्य के, हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी हमारे इस नकल अध्यादेश की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय भी आप सबको देना चाहता हूं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून भी हमने लागू किया है। मातृशक्ति के हित में हमारी माताएं बहनें किन कठिन परिस्थितियों में राज्य के अंदर काम करती हैं, राज्य के बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है कौन भूल सकता है। इसलिए हमने तय किया कि हम राज्य की हमारी माताओं बहनों के लिए सरकारी सभी नौकरियों में 30% का आरक्षण हो, उसके लिए हमने विधानसभा में विधेयक बनाया है। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता देश के अंदर बड़ी मांग रही है लंबे समय से कि देश में समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। हमने सरकार के गठन होते ही सबसे पहले अगर कोई काम किया तो समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए उस कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर लिया है, देश के अंदर भी लॉ कमीशन से लेकर अनेक विद्वानों की राय ले ली है। जल्दी ही हमको उस कमेटी का ड्राफ्ट मिलने वाला है, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा
भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के अंदर आप सबके आशीर्वाद से समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण, इसकी लंबे समय से मांग थी, उसमें एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ आ गई थी, उसमें क्लियरिटी करने के बाद प्रवर समिति ने उसको क्लियर कर दिया है, वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। और मैं आज इस दिन पर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और 10% का आरक्षण का विधेयक भी विधानसभा से पारित हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे चारों धामों का विकास तेजी से हो रहा है, बद्रीनाथ में आपके बगल में मास्टर प्लान बन रहा है, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास हो चुका है, इसी प्रकार से केदारनाथ जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास हो गया है। और बहुत जल्द आप सबके बीच में अगले 1-8 साल के अंदर आप सब लोग यही कर्णप्रयाग से ऋषिकेश, जो एक सपना जैसा होता था, रेल का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, रेल लाइन का काम चल रहा है और रेल यहां तक पहुंचेगी। जरा अंदाजा लगाइए कि तब वो कैसा होगा जब हम लोग कर्णप्रयाग से बैठकर ऋषिकेश तक रेल की यात्रा करेंगे। जहां केदारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से मानस खंड को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प में लिया है और मानस खंड के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के विकास का भी खाका तैयार हो गया है, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, तेजी से उस पर भी काम चल रहा है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ की यात्रा पर आए थे। निश्चित रूप से ये हमारी जो यात्रा केदारखंड से चलती है वो मानस खंड तक चलेगी और यहाँ के जो सड़क मार्ग हैं उन सड़क मार्गों में हमारे चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग सिंगरी से जाने वाला मार्ग हो या चौखटिया होकर जाने वाला मार्ग हो या हमारे अभी धन सिंह जी कह रहे थे सालदे से जाने वाला मार्ग हो, उन सभी मार्गों के चौड़ीकरण का हम मास्टर प्लान बना रहे हैं। आने वाले समय में कनेक्टिविटी आसान होगी, लोग जो चार धाम यात्रा में आएंगे उधर भी जाएंगे, जो उधर आएंगे वो इधर भी आएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर साल भर यहाँ यात्रियों का आना जाना रहेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 23 सालों में अभी तक पूरे देश की आजादी से लेकर अब तक जब से चार धाम यात्रा प्रारंभ हुई है, इस बार